कई लोगों ने इंडिया के जुगाड़ सिस्टम की तारीफ करी है कि कैसे लोग अनोखे अनोखे स्टार्टअप आइडियाज लेकर आ रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। पर स्टार्टअप बनाना इतना आसान नहीं है। पिछले साल इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स का टारगेट अचीव हो गया, पर उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2000 स्टार्टअप्स फेल हुए, और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। इंडिया में एक स्टडी ने दिखाया कि 5 सालों के अंदर 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाती हैं, और कई स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बनी भी है उनके लिए भी प्रॉफिट कमाना इतना आसान नहीं है। करीब 15% इंडियन यूनिकॉर्न ही प्रॉफिटेबल है। इसी की वजह से हमें ऐसी हेडलाइंस देखने को मिलती है। स्टेटमेंट इशूड बाय एडटेक मेजर बायजूस इंडिकेट्स दैट देयर विल बी मेजर लेऑफ्स कमिंग सून। इंडियन स्टार्टअप्स ऑन एवरेज आर लेइंग ऑफ अबाउट 1600 वर्कर्स ईच डे। तो माजरा क्या है, कई इंडियन स्टार्टअप्स फेल क्यों होती है? अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ बने रहिए। करीब 4 महीने पहले शेयर चैट के एम्प्लॉयज को एक ईमेल मिला उनके सीईओ से। शेयर चैट लेज ऑफ 20% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। जब सीईओ ने एक्सप्लेन किया कि उनको 20% लोगों को क्यों फायर करना पड़ा, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मार्केट ओवर एस्टिमेट कर ली, और यही एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। आपने कई बार सुना होगा कि कैसे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो करोड़ों लोग होने के बावजूद कोई स्टार्टअप एक मार्केट को ओवर एस्टिमेट कैसे कर सकती है, मैं बताता हूँ। 2021 में जोमैटो एक यूनिकॉर्न बनी। जोमैटो ने $1.3 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ रुपए रेज किए अपने आईपीओ से, पर इसके बावजूद जनवरी 2023 में जोमैटो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने एक अनाउंसमेंट करी जहां उन्होंने कहा कि जोमैटो अब 225 शहरों में काम नहीं करेगा। सीएफओ ने कहा कि जोमैटो का परफॉर्मेंस इन शहरों में इतना अच्छा नहीं था, पर 225 तो कुछ भी नहीं है ना। जोमैटो तो हजारों शहरों में इंडिया में, पर एक प्रॉब्लम है, 800 से ज्यादा शहरों से जोमैटो को इतना पैसा मिलता नहीं है। इनफैक्ट जोमैटो का 60% रेवेन्यू बस 8 शहरों से आता है। इमेजिन कीजिए कि जोमैटो जो एक यूनिकॉर्न कंपनी है उसका 60% रेवेन्यू बस 8 शहरों से आता है, और ये बस जोमैटो की अकेली कहानी नहीं है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। आपने कंट्री डिलाइट का नाम सुना होगा जो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी करती है। गांव के जिस फ्रेश दूध के टेस्ट को हम भूल गए थे उसे वापस दिला दिया शहर में घर बैठे बैठे। पर कंट्री डिलाइट ने एक चीज क्लियर कर दी है जब उन्होंने कहा कि वो बस उन्हीं 1,80,000 परिवारों को टारगेट करेंगे जिनकी सालाना इनकम 7-8 लाख से ज्यादा है। ये वो कस्टमर्स है जो कंट्री डिलाइट के हिसाब से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए राजी हैं। क्यों? कंट्री डिलाइट के कोफाउंडर ने कहा क्योंकि पैसा वो बस बड़े शहरों से ही बना सकते हैं। पर ये थोड़ी अजीब बात है ना, क्योंकि एक्चुअली 80% इंडिया की ग्रोसरीज टियर 2 शहरों में बिकती है। पर प्रॉब्लम यह है कि उन शहरों में लोग ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी ऑर्डर नहीं करते, बल्कि वो किराना स्टोर्स में जाते हैं। इंडिया में करीब 1,10,00,000 किराना स्टोर्स हैं, जिसमें से 80 लाख टियर 2 शहरों में है, जिसका मतलब है कि जो ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनीज है इनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है छोटे शहरों में। इसी वजह से वो बड़े शहरों में है जहाँ लोगों के पास पैसा है ऑनलाइन ग्रोसरी पे खर्च करने का, और जिनके लिए हर छोटी चीज के लिए किराना स्टोर जाना इतना आसान नहीं है। अब ई कॉमर्स की दुनिया में कदम रखते हैं। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, मीशो। इंडिया की हर मार्केट का सामान सही दाम पे पाओ, मीशो। सही सही लगाया। मीशो का बिजनेस मॉडल था सोशल कॉमर्स का। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। यहाँ छोटे शहरों की जो महिलाएं हैं वो रीसेलर्स का काम करेंगी, जिसका मतलब है कि वो मीशो से प्रोडक्ट्स खरीदेंगी और फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इन प्रोडक्ट्स को अपने मोहल्ले में बेचेंगी। इस बिजनेस मॉडल को बोला जाता है B2B2C, यानी एक महिला ने मीशो से खरीदा और फिर दूसरे आम लोगों को बेचा। मीशो का ऑब्जेक्टिव था कि वो रीसेलर्स के लिए पैसा बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से मीशो ने अपने आप को एक बार नंबर 1 रीसेलर ब्रांड बताया। पर थोड़े टाइम बाद मीशो को 2 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पहली प्रॉब्लम थी कि मीशो के कई कस्टमर्स बस एक बार खरीदते थे, और जब वो खरीदते भी थे तो ऑन एवरेज वो बस 200 रुपए खर्च करते थे। ऐसी सिचुएशन में मीशो के लिए आसान नहीं था पैसे बनाना, और उसके बाद उन्होंने अपना मॉडल चेंज कर दिया B2B2C से B2C, जहाँ वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जरिए डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचेंगी। तो मेन मीशो की प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में करीब 30 करोड़ परिवार हैं, पर इन 30 करोड़ परिवार में से बस 1 करोड़ परिवार ही इंडिया का 50% खर्चा करते हैं। वापस सुन लो, 1 करोड़ परिवार इंडिया का 50% खर्चा करते हैं।
और ये टॉप 1 करोड़ परिवार आपको इंडिया के टॉप 30 शहरों में मिल जाएंगे। अगले 4 करोड़ परिवार के लिए आपको 80 से 100 शहरों में जाना होगा। और ये जो अगले 4 करोड़ परिवार हैं, ये बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं, जिसका मतलब है कि वो फालतू पैसा खर्च नहीं करेंगे, वो तभी पैसा खर्च करेंगे जब उनको ढंग की वैल्यू मिल रही है। और ई कॉमर्स बिजनेसेस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन बिजनेसेस को एक और समस्या से गुजरना पड़ता है, हाई रिटर्न रेट। यानी कि जब लोग उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, ट्राई करते हैं, पर फिर वापस रिटर्न कर देते हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन कपड़ों की इंडस्ट्री में रिटर्न रेट 50% तक हो सकती है। इसका मतलब है कि आधी चीजें जो लोग खरीदते हैं उसको वो रिटर्न कर देते हैं। तो बेसिकली मीशो को 2 प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा कि बस 1 करोड़ परिवार ही उनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, और अगर वो अगले 4 करोड़ परिवारों को बेचने जाए तो ये लोग डिस्काउंट्स ढूंढ रहे हैं और चीजें रिटर्न करने का भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसी सिचुएशन में मीशो जैसी ई कॉमर्स कंपनीज के लिए पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से कई कंपनीज जो लॉन्च करती है इंडिया में, वो ये सोचकर आती है कि वो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना माल बेच पाएंगे, पर असलियत ये नहीं है। जैसे एक वेंचर कैपिटल कंपनी ब्लूम ने इंडियन पॉपुलेशन को 3 भागों में डिवाइड किया। इंडिया 1 में वो लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, और मोस्ट स्टार्टअप्स इन्हीं लोगों के पीछे भाग रही है। जैसे फिनटेक स्टार्टअप क्रेड के बारे में बात करते हैं, जो एक क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट ऐप है। अब इंडिया में करीब 5-6% लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है, और क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह इस चीज को जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि वो पूरे इंडिया को क्रेडिट कार्ड नहीं बेचना चाहते, बल्कि वो बस उन्हीं लोगों को बेचना चाहते हैं जिनका साइज ये है पर पैसा उनके पास इतना है। When we started, it was a very simple idea that if you pay your credit card bills on time, on cred, you get reward for that. We took that playbook from FreeCharge, but we changed the product. And the reason we changed the product because you can target the more affluent customers. In India, only 30 million customers have a credit card. So it was a kind of a positive selection of affluent customers. पर कुछ कंपनीज मानती है कि वो इंडिया 1 को ही नहीं बल्कि इंडिया 2 को भी अपना माल बेच सकती हैं, पर ये करना इतना आसान नहीं है। जैसे ऑथर सैफ इकबाल ने रिसेंटली कहा कि कंपनीज को ये रियलाइज करना चाहिए कि जिस भारत के बारे में बात हो रही है उनसे पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। ऐसी चीजों की वजह से कई कंपनीज बंद भी हो जाती है। जैसे एक ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च हुई थी इंडिया में, शॉपी, जिनका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, पर 6 महीने में कंपनी ने रियलाइज किया कि इंडिया में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान बंद करी और वापस चले गए। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम में से कई लोग ये मानते हैं कि इंडिया में बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, इसी वजह से सभी लोग चाहे उनके पास जितना भी पैसा हो वो ये कहते हैं कि हम मिडिल क्लास है, पर मिडिल क्लास की डेफिनेशन बहुत अलग है। दिवेश कपूर और मिलिंद वैष्णव की रिसर्च ने दिखाया कि 50% इंडियंस कहते हैं कि वो मिडिल क्लास है, पर 2015 की प्यू रिसर्च ने एनालिसिस करके ये बताया कि एक्चुअली में बस 2% इंडियंस मिडिल क्लास है, पर एक मिडिल क्लास परिवार की सालाना इनकम 22,000 से लेकर 45,000 तक है। हाँ, अगर आपके परिवार की इनकम 22,000 से लेकर 45,000 रुपए है सालाना, तो आप एक मिडिल क्लास परिवार से हो, जिससे हम सभी को अंदाजा लगना चाहिए कि एक्चुअली इंडियन मिडिल क्लास इतनी बड़ी नहीं है और उनके पास इतना पैसा नहीं है। इनफैक्ट पिछले साल विवेक देबरॉय, जो एक इकोनॉमिस्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी को एडवाइस करते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी और उन्होंने बताया कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए आपको टॉप 10% इंडियंस में होने के लिए। तो गेस कीजिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। विवेक देबरॉय ने कहा कि अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 से ज्यादा है तो आप टॉप 10% में है। इमेजिन कीजिए, बस 25,000 की मंथली सैलरी से आप देश के टॉप 10% में आ जाते हैं, और यही सच्चाई है इंडिया की। और इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत आसान है, इंडिया को अपनी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ानी होगी। जैसे 1960s में इंडिया और चाइना की जीडीपी पर कैपिटा एक समान थी, पर आगे बढ़कर चाइना की जीडीपी पर कैपिटा ने बहुत बड़ी छलांग लगाई। और जब तक ऐसी ग्रोथ इंडिया में नहीं होगी, तब तक हमारी मिडिल क्लास इतनी बड़ी नहीं होने वाली। और कई लोग ये रियलाइज नहीं करते कि इंडिया में बस कुछ ही लोगों के पास ज्यादातर पैसा है, और वही ऑनलाइन ग्रोसरी में पैसा खर्च कर सकते हैं। पर मार्केट्स ओवर एस्टिमेट करने का अंजाम क्या होता है कि कंपनीज को बहुत ज्यादा फंडिंग मिल जाती है पर वो कंपनीज पैसे नहीं कमा पाती। जैसे एक एडटेक कंपनी है टीचमेंट, जिसकी वैल्यूएशन है 4,000 करोड़ रुपए, पर 2022 में गेस कीजिए कि स्टार्टअप ने कितने पैसे कमाए अपने ऑपरेशंस के जरिए? 80 लाख। What? तो एक 4,000 करोड़ की कंपनी ने एक साल में बस 80 लाख पैसे कमाए। अब हो सकता है कि अगले कुछ सालों में टीचमेंट करोड़ों रुपए कमा पाए, पर एक
एक मार्केट को ओवर एस्टिमेट करने से कई कंपनीज बंद भी हो जाती है। जैसे हमने देखा कि जोमैटो ने अपनी सर्विस कई शहरों में बंद कर दी क्योंकि उधर से जोमैटो पैसा नहीं कमा सकती। इंडियन स्टार्टअप्स बस इन प्रॉब्लम से नहीं गुजर रही, कुछ और टेक्निकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। जैसे बिग बास्केट के बारे में बात करते हैं। बिग बास्केट एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है जो लॉन्च हुई थी 2011 में। 2021 में टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया। बिग बास्केट ने अपने कस्टमर्स के लिए एक स्लॉटेड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब है कि कस्टमर्स अपना टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं कि वो अपनी डिलीवरी कब एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और इससे बिग बास्केट को बहुत फायदा हुआ क्योंकि वो ढंग से प्लान कर सकती थी। उनको पता है कि कस्टमर्स को कब डिलीवरी चाहिए, तो वो अपने डिलीवरी राइडर और सप्लायर्स को तैयार कर सकती थी। पर फिर कोविड के दौरान कुछ चेंज आया मार्केट में, जहां नई कंपनीज आई जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो 30 मिनट में डिलीवरी कर पाएंगी। ग्रोसरीज एंड मोर डिलीवर्ड इन 15 टू 30 मिनट्स। तो एक कस्टमर को अपना स्लॉट चुनने की जरूरत ही नहीं है, वो कभी भी डिलीवरी की मांग कर सकते हैं और आधे घंटे में उनके पास डिलीवरी आ जाएगी। यही स्विगी, इंस्टामार्ट, डंजो डेली और जेप्टो जैसी कंपनीज ने अपने कस्टमर्स को बोला। इसकी वजह से बिग बास्केट का मार्केट शेयर 50% से 30% तक गिर गया। और इसी को कहा जाता है बैरियर टू एंट्री, यानी कि एज अ कंपनी आप अपने कंपेटिटर्स के लिए कितना मुश्किल बना देते हो कि वो आपकी मार्केट में ना घुस पाए। अब ये जरूर है कि आजकल के टाइम पर कई कंपनीज ने ये रियलाइज किया है कि वो ये इमीडिएट डिलीवरी शायद प्रॉमिस ना कर पाए, पर हर कंपनी के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या वो अपने कंपटीशन को रोक सकते हैं या नहीं। और ये चीज करने के कई तरीके होते हैं। जैसे रिलायंस ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस में है। अब उस बिजनेस में घुसना बहुत ही मुश्किल है। पहली बात, आपको करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। उसके अलावा आपको सरकार से शायद लाइसेंसेस भी चाहिए होंगे। इसकी वजह से रिलायंस को पता है कि ये नहीं कि कोई छोटी सी कंपनी उनकी मार्केट में घुस सकती है। ऐसी चीज करने के कई और तरीके भी है। जैसे एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर करीब 50% है, तो एशियन पेंट्स ने अपनी डोमिनेशन कैसे बनाई। 1970 में एशियन पेंट्स ने एक कंप्यूटर खरीदा था 8 करोड़ रुपए का, जिससे एशियन पेंट्स पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी बन गई जिनके पास एक खुद का कंप्यूटर था। उस जमाने में कई इंडियन कंपनीज को पता भी नहीं था कि वो कंप्यूटर से क्या कर सकती हैं, जबकि एशियन पेंट्स कंप्यूटर्स को यूज करने लग गई अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने के लिए, जिसकी वजह से 50 साल का एशियन पेंट्स के पास डेटा है कि उनके कौन सा कलर, साइज और कितनी क्वांटिटी का पेंट इंडिया में बिकता है। इस वजह से एशियन पेंट्स अच्छी तरह अनुमान लगा सकता है कि कितना पेंट कब और कहां बिकेगा, जिसकी वजह से जहां दूसरी कंपनीज को 30% पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एशियन पेंट्स को बस 3% खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो ढंग से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी डिमांड कब और कहां आएगी। अनफॉर्चुनेटली ये अकेला कारण नहीं है। जैसे सुरेश से मिली, जो एक ऐप यूज करता है अपने घर में ग्रोसरीज डिलीवर करने के लिए। अपनी ऑनलाइन कार्ट में वो दूध, ब्रेड, आटा और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और कई बार एक कूपन कोड लगाता है जिससे उसको बिल में 20% डिस्काउंट मिल जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली जब ये डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता, तो सुरेश अपने घर के पास एक किराने की दुकान में जाता है और उधर से सामान खरीद लेता है। और यही एक प्रॉब्लम है जिससे कई ग्रोसरी स्टार्टअप्स इंडिया में गुजर रही है, कि वो बहुत पैसा खर्च करती है मार्केटिंग में ताकि कस्टमर उनका प्रोडक्ट यूज करने लग जाए, पर जब डिस्काउंट्स चले जाते हैं तो उसके साथ कस्टमर भी चले जाते हैं। जो पैसा वो कंपनी खर्च करती है उसको कहा जाता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या फिर CAC। अब मार्केटिंग में पैसा खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप पैसा खर्च करते हो पर आपको रिटर्न नहीं मिलती। जितना कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर खर्च करता है उसको कहा जाता है लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि LTV। यूजुअली कहा जाता है कि LTV 3 गुना ज्यादा होना चाहिए आपकी CAC से, यानी कि अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो एक कस्टमर को डिस्काउंट देने के लिए, तो उस कस्टमर से आपको 300 रुपए मिलने चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस में कई कंपनीज का ये रेशियो 3 नहीं है बल्कि बस 1.5 है। जबकि एक दूसरी कंपनी का उदाहरण लेते हैं, फिजिक्स वाला। हेलो बच्चों, जो इंडिया में बहुत कम एडटेक कंपनीज में से एक है जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, और उसके पीछे एक कारण है कि उनकी मार्केटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। अब आ रही है ना फील पढ़ाई में। जहाँ बायजूस ने 2021 में 2500 करोड़ रुपए खर्च करे अपनी मार्केटिंग में, फिजिक्स वाला ने 1 करोड़ से कम रुपए खर्च करे। इसके पीछे कारण है कि अलग पांडे का एक बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, इसकी वजह से उनको पैसे खर्च करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी मार्केटिंग, उनकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग हुई। इसी वजह से प्रॉफिट कमाना उनके लिए आसान है।
इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा इंडियन स्टार्टअप्स एक और समस्या से गुजर रही कि अब फंडिंग मिलना इतना आसान नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमी अब धीमी चल रही है। जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे इंडिया में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि तब इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे, पर अब US में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं और इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी वजह से इंडिया में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने के बजाय इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्यों ना वो अमेरिका में ही हाई इंटरेस्ट कमा ले एक सेफ तरीके से। ऐसे एनवायरमेंट्स में स्टार्टअप के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इस साल स्टार्टअप फंडिंग इंडिया में 9 साल में सबसे कम है। एक इन्वेस्टर ने बताया कि अब इन्वेस्टर्स स्टार्टअप से सवाल पूछ रहे हैं कि क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है तो अब उनको प्रॉफिट कमाने होंगे। पर ऐसा भी नहीं कि सभी चीज बहुत नेगेटिव है। हमें ये जरूर मानना पड़ेगा कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम अब बहुत डेवलप्ड हो गया है। जैसे इस फोटो पर नजर डालिए, आप देख सकते हैं कि कितनी स्टार्टअप्स IPL में अब स्पॉन्सर्स हैं, जो पहले नहीं होता था। और इसके अलावा कई सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जैसे Zwork जो दूसरी कंपनीज को मदद करती हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, चाहे वो स्टील पाइप्स हो या फिर एयरक्राफ्ट के इंजन कंपोनेंट्स, या फिर Zerodha जिसने बिना भार की इन्वेस्टमेंट लिए हुए करोड़ों के प्रॉफिट्स कमाए हैं, जिससे फाउंडर्स का तो फायदा हुआ ही है पर एम्प्लॉयज का भी हुआ है। इसके अलावा इंडियन स्टार्टअप ने कई जॉब्स भी क्रिएट करी है। जैसे आप देख सकते हो कि अब इंडियन इकोनॉमी में स्टार्टअप जॉब्स हर साल बढ़ ही रही है। इसके अलावा अब स्टार्टअप्स बस इंडिया के बड़े शहरों में नहीं है, छोटे छोटे शहरों में भी है। इंडियन सरकार के डेटा के हिसाब से आधी से ज्यादा अब स्टार्टअप्स Tier 2 और Tier 3 शहरों में। शार्क टैंक के पहले सीजन में करीब 100 एंटरप्रेन्योर्स छोटे शहर से ही आए थे, जैसे जुगाड़ू कमलेश। और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश, जो किसानों के लिए एक पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। और शार्क टैंक की इन्वेस्टमेंट की वजह से कमलेश ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो फास्ट है, हल्का है और ऑटोमेटिक है। इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज और MKU जैसी कंपनीज हैं जो ड्रोन तक बना रही हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम शायद कुछ साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि वो इंडिया में बनेंगे। तो मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। इंडियन कंपनीज ने कई ऐसे प्रोडक्ट सोचे हैं जो बाहर की कंपनीज नहीं बना सकती थी, जैसे पेटीएम का साउंड बॉक्स। पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए, जो एक ट्रूली इंडियन प्रोडक्ट है। पर इसके बावजूद हमें ये याद रखना चाहिए कि इंडिया में अभी भी कई हमें बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। तो हाँ, हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग जरूर हैं, पर वो सभी ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनीज के कंज्यूमर्स नहीं हो सकते, और ये एक रियलिटी है जिससे हमें वाकिफ होना चाहिए। पर जब इन लोगों की इनकम भी बढ़ने लग जाएगी और ऐसे लोग एक्चुअली हमारे मिडिल क्लास इकोनॉमी में आ जाएंगे, तब वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन करोड़ों रुपए में होती है वो एक्चुअली करोड़ों रुपए कमा भी पाए, और तब शायद Zomato छोटे शहरों में भी अपनी बिरयानी डिलीवर कर रही है। तो ये कहानी थी इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में। एक दूसरी कहानी जो हर न्यूज़पेपर में आपको आजकल मिलेगी, वो है सेम सेक्स शादियों के बारे में। क्या सेम सेक्स मैरिजेस लीगल होनी चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो को देखिए, हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी है।